हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग को दिल से बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। इसके चलते मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ और ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये मेरा नया चैनल है और मैं आप लोगों का सपोर्ट बहुत सारा चाहती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है वेदर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मीन्स आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। हम जीवन की राह पर चलते हुए कई बार खो जाते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते कि हमको क्या करना है लाइफ में। ये जो डिसीजंस होते हैं, कई बार हम लोगों को इस तरीके के डिसीजंस लेने में टैरो बहुत हेल्प करता है। और आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलना है। ओके फ्रेंड्स, चले चलते हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ओवर द ईमेल एंड जो लोगों का आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो प्यार मुझे मिल रहा है आफ्टर गेटिंग पर्सनल रीडिंग्स, उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है। आई एम वेरी मच फीलिंग मोटिवेटेड। सो गाइज, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मुझे जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है और वो आप ही लोगों ने मुझे सजेशंस दिए हैं, तो उसके चलते मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं कि वेदर दे आर गेटिंग अ हार्ट फॉर लव मैरिज और इट्स एन अरेंज मैरिज। तो ये जो आज का टॉपिक है उससे रिलेवेंट है और आज भी मैं आपके लिए तीन पाइल्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, दिस इज़ पाइल नंबर वन, दिस इज़ पाइल नंबर टू एंड दिस इज़ पाइल नंबर थ्री। तो जल्दी से आप अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेट करके आप अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए, चूज़ कीजिए और हम लोग पाइल नंबर वन के साथ चलते हैं। ये जो आपका टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने बायो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देखकर वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ओके गाइज, तो चलते हैं पाइल नंबर वन के लिए। सो गाइज, ये है पाइल नंबर वन के कार्ड्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके ओके, वाओ, यस, अमेजिंग कार्ड्स वी आर हैविंग हियर। ओके, दिस इज़ योर हैप्पीनेस एंड मैजिशियन कार्ड एंड दीज आर द एंजल्स कार्ड, जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे कार्ड्स में क्या है। एंजल्स का मैसेज हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, ये लव मैरिज है या फिर ये अरेंज मैरिज है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पायल के लोग हैं, इन लोगों को लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा वो लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कुछ उनका अगर किसी बंदे को, बंदी को या कोई उनका लवर है उसको पसंद करते हैं या उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इस पाइल वाले लोगों के लिए फ्रेंड्स सर्कल का, फ्रेंड्स का, उनके साथ के लोगों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, राइट। उन लोगों की लाइफ में ये जो दोस्त हैं वो बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ में आगे बढ़कर उनकी मैं लव मैरिज देख पा रही हूँ। सो ये पाइल के लोगों के लिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो येस, दिस इज़ अ लव मैरिज और ये डेफिनेटली अपनी मैरिज को अच्छे प्रॉपर वे से अरेंज भी करवा रहे हैं। येस, आई एम गेटिंग सम, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से थोड़ा चिढ़े बैठे हैं, थोड़ा उनको इरिटेशन है, या हो सकता है जिसको आप अपनी लाइफ में पार्टनर की तरह चूज़ कर रहे हैं उनको वो बंदा या बंदी पसंद नहीं हो। तो अभी मैं जो आपकी सिचुएशन देख रही हूँ वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपको लग रहा है इधर की साइड इधर गिरता हूँ तो खाई इधर कुआ है, इस तरीके की सिचुएशन है। आप परेशानी में हैं थोड़ा, लेकिन यस, कुछ टाइम बाद, आई मीन 3 मंथ्स के बाद मैं देख रही हूँ आप उस सिचुएशन में होंगे जहाँ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे अगर इस बंदे के साथ आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूँ, राइट। तो ये जो आपकी मैरिज है, जो जिसके बारे में हम बात करें, डेफिनेटली ये लव मैरिज है
एंड लाइक एज कम्पेयर टू अदर पीपल, मुझे आप लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखता है चीज़ों को, आप बहुत सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेशन का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, एंड ऑफ कोर्स मैच्योरिटी का कार्ड आया है. तो इस जो मैं ये एक चीज़ देख रही हूँ कि आफ्टर सम टाइम आप लोग इन चीज़ों को, आई मीन जितने भी आपके अभी इक्वेशंस चल रहे हैं लाइफ में, उन सारी इक्वेशंस को आप बिल्कुल लाइन अप करेंगे. आई मीन ब्रेक थ्रू का कार्ड का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को इस तरह से मटेरियलाइज करेंगे कि लोग आपके कहे अनुसार चलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसे चीज़ें लाइन अप होती जाएंगी. तो ये जो मैं देख रही हूँ ना इस रीडिंग में, आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और थोड़ा बहुत अड़चन ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं फैमिली में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, जो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है. तो आप सबको तो वैसे भी खुश नहीं कर सकते ना. बट यस, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों में काफ़ी मेच्योरिटी है, बहुत मेच्योर लेवल पे आके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, चीज़ों को लाइन अप करेंगे. तो एज कम्पेयर टू अदर्स, अगर मैं बात करूँ तो यू पीपल आर वेरी मच मेच्योर. आप लोग बहुत समझदार हैं, और आपका पार्टनर भी बहुत समझदार है, और कहीं ना कहीं आप लोग का ट्यूनिंग बहुत परफेक्ट है. तो गाइस, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग जो चाहते हैं आपके लाइफ में वो होने वाला है, और थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट इसको थोड़ा 3 महीने से करीब, आई मीन आगे जाएगा, बट 3 मंथ्स अराउंड लगेंगे आपको चीज़ें अपने बारे में एनालाइज करने में, सोचने में, डिसीजन लेने में कि वेदर मैं आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ, और कैसे चीज़ें लाइन अप होंगी. वो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी आफ्टर 3 मंथ्स. ये बात याद रखिएगा, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनका साथ लेना मत भूलिएगा. कहीं ना कहीं वो आपके सेलिब्रेशन में आपके साथ हैं, आपके सुख में आपके साथ हैं, और आपके दुख में भी आपके साथ हैं. तो जो लोग इस समय आपके साथ हैं, मान के चलिएगा कि वही लोग आगे आपके इस मैरिज में बहुत बड़ा हाथ उनका होगा, बहुत बड़ा सपोर्ट उनसे मिलने वाला है. ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि एंजल का कार्ड क्या आया है. ओके, फॉलो योर हॉबीज़, म्यूजिक, डांस वगैरह, आप जो भी आपकी हॉबीज़ है थोड़ा उसको फॉलो कीजिए, इंस्पिरेशनल लाइफ कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें. यू विल ऑल्सो ऑप्ट सम, यू नो, आप कुछ लिखना वगैरह स्टार्ट कीजिए, वो भी पसंद करेंगे. आप कुछ लिखने से रिलेवेंट कीजिए. आप साइलेंट मत रहिए, चीज़ों को बोलिए. आप भगवान से जुड़े हुए हैं, यू नो, आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान को में फेथ है आपका, तो उस चीज़ को बरकरार रखिए. कहीं ना कहीं चीज़ें जल्दी ही सॉर्ट आउट होंगी. और भगवान ऐसा भी बोल रहे हैं कि एक दरवाज़ा खुलता है ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा भी खुल जाता है तुरंत, भगवान ऐसा ही करते हैं. तो आप लोग के जो भी एनिमीज़ हैं, जो थोड़ा बहुत बिचिंग कर रहे हैं, बैक बाइटिंग उनकी चल रही है, थोड़ा बहुत चिढ़े बैठे हैं आपसे, तो उन वो लोग को थोड़ा इग्नोर कीजिए, और पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कौन है. दे आर ट्राइंग टू गेट, यू नो, अंडर योर स्किन. तो जस्ट टू कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम दैम. एंड येस, आप दोनों जो है, दोनों ही लोग एक ही तरह के, कहते हैं ना, एक ही नाव पे सवार हैं, एक ही चीज़ें, एक ही टाइप की चीज़ें फेस कर रहे हैं, एक ही तरह की उनको लोगों से एक ही तरह का, जिसको बोलते हैं कि विरोध मिल रहा है, उसी तरह की चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं. नो, आप बिल्कुल इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए. ये आपके साथ भगवान है, वो ये बोल रहे हैं, दिस इज़ माई फाइट, दिस इज़ नॉट योर्स फाइट, एंड वी विल विन टुगेदर, वी विल फाइट टुगेदर. यू विल गेट अ न्यू न्यू चांस टू गेट अ न्यू फैमिली एंड गेट अ न्यू लवर. So you will be very happy. I love you so much from God. Wow, it's such an amazing card. तो मैंने आपको एंजल का कार्ड भी बता दिया है, एंड आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे. डेफिनेटली आप लव मैरिज होगी, आप उसको अरेंज भी करवा लेंगे, लोग आपके साथ में रहेंगे. कुछ लोग थोड़ा आपको इरिटेट कर सकते हैं, जो मैं इस कार्ड से देख रही हूँ. इरिटेशन तो रहता ही है, हर किसी को आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते एट ए टाइम. ओके गाइस, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग बहुत आगे जाइए अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा, यू नो, अपनी वेडिंग लाइफ अच्छे से अहेड, यू नो. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, फॉर यू नो हैविंग अ वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. और ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग गाइस. अभी चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की साइड. पाइल नंबर 2 क्या बोलता है? हे गाइस, दिस इज़ पाइल नंबर 2. जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. चलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कौन से कार्ड्स आए हैं, चलिए देखते हैं. ओके ओके यस. सो हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, डिटर्मिनेशन एंड प्रोस्पेरिटी का. तो ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ.
और ये है एंजल्स के कार्ड जो हम सबसे लास्ट में ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं आपके, वेदर इट्स अरेंज मैरिज और इट्स इन लव मैरिज। ओके सो गाइज, ये जिन लोगों ने चूज़ किया है पायल, उनके लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो अभी इस फेज़ में है कि दे आर वेरी मच, अंदर से वो बहुत परेशान है क्योंकि उनको कुछ बातों का गिल्ट है, कुछ चीज़ों को लेके वो पछतावा महसूस कर रहे हैं लाइफ में, कुछ डिसीजंस उनने सही नहीं लिए हैं अपने ये जो डिसीज़न शादी वगैरह का है उससे रिलेवेंट। बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो मैरिज है ये बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगी, आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, वेदर इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें 80% चांसेस मुझे अरेंज मैरिज के दिख रहे हैं, थ्रू दी जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं या आपके पेरेंट्स हैं, मैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें देख रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्हीं की इंपॉर्टेंस इसमें है, इस रिलेशन में। इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अरेंज करता हूँ या करती हूँ तो वेदर आई विल बी हैप्पी और नॉट, बट येस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर आपका ये कार्ड आने का मतलब है, इस कार्ड का आने का मतलब है कि आप जो है बहुत अच्छी लाइफ आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि जो सपने आपने देखे हैं वो सिर्फ अरेंज लव मैरिज में ही पूरे होते हैं, वो सपने आपके अरेंज मैरिज में भी पूरे होंगे, ये मैं आपको देख पा रही हूँ। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए थोड़ा चीज़ों को, ये मतलब मींस आप कम से कम 1 से 3 महीने का ब्रेक लीजिए चीज़ों पे, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसा आप भगवान को बोलिए कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो भी आप ऐसा पार्टनर मांगेंगे तो भगवान आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा ही पार्टनर आपको मिलने वाला है। पर थोड़ा सा आप चीज़ों को टेक अ 30-day चैलेंज, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़े दिन के लिए मेडिटेशन वगैरह कीजिए, जैसा पार्टनर चाहते हैं ऐसा पार्टनर के लिए भगवान को बोलिए कि मुझे आप ये जो मेरी ये फीलिंग्स हैं जो भी हैं वो सब कुछ आप भगवान के साथ शेयर कीजिए, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में एक बहुत ही कुछ अच्छा फ्रेंड है या आपका कोई वेल विशर है जो आपको बहुत सही मार्गदर्शन दे रहा है, बहुत सही चीज़ें बता रहा है, तो आप उस बंदे का सजेशन हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपके घर के बुज़ुर्ग भी हों, हो सकता है आपके फादर हों, हो सकता है आपके ग्रैंड मदर हों, ग्रैंड फादर हों, क्योंकि ये जो लोग हैं मैं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें देख रही हूँ, आपके फ्रेंड का सपोर्ट देख रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंड है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और आगे जाके मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो बंदा आपकी लाइफ में आएगा ये बंदा बहुत कूल होगा, बहुत कूल माइंडेड, बहुत अच्छा बंदा आपके लाइफ में आएगा। यस मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि इस टाइम पर आप चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा परेशान है, ये कार्ड से शो हो रहा है कि आप थोड़ा आपको गिल्ट है, रिपेंटेंस है किसी चीज़ को लेकर कि मैं ये डिसीजन ले लेती या ये डिसीज़न ले लेता टाइमली तो मेरे लिए अच्छा होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके आपकी लाइफ बहुत ही, देखिए ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड से ये शो हो रहा है आपकी लाइफ में पूरे जितने रंग दुनिया में है वो सारे रंग होंगे, सब कुछ करेंगे आप, आपका एक अच्छा आपकी अच्छी मैरिड लाइफ होगी, आपका सारा घूमना फिरना सब कुछ, जैसा आप सोच रहे हैं इस टाइम पे जो आपकी ड्रीमिंग चल रही है दैट विल कम ट्रू, सो ड्रीम इट टू अचीव इट, ऐसा कहा भी गया है, वैसा आप थोड़ा सोचिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है हमारे साथ। तो हमको अपना टाइम बिल्कुल परफेक्टली यूज़ करना है, मंदिर में जाइए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, वहाँ थोड़ी चढ़ौती कीजिए, भगवान को कुछ ऑफ़र कीजिए, भगवान को प्रसाद ऑफ़र कीजिए, भगवान को ऑफ़र इन द सेंस ये आपके मन की भावना है, ये फीलिंग से करना है आपको, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए आपको करना है, नहीं, भगवान से कनेक्टिविटी रखिए, थोड़ा सा काम में स्पीड लाइए, आपके जो डिसीजंस हैं उसमें स्पीड लाइए, और अपने आप को और थोड़ा सा और थोड़ा सा अपने अंदर पर्सनल ग्रोथ आप में आनी चाहिए, जो मैं देख रही हूँ कि है भी आगे जाकर। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बाद आप देखेंगे कि जो आप पार्टनर चाह रहे हो होगा। इसमें एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि ये जो पार्टनर है ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है, होल सोल डिसीजन आपके खुद के लोगों का होना चाहिए, इसमें बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप नहीं होने दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि वो लोग आपकी लाइफ में आपकी लाइफ के डिसीजंस में थोड़ा भी अपने सजेशंस नहीं दे, ये सारे डिसीजंस आप खुद लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो होंगे ना
अननेसेसरली यू नो इनकी हमको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमको दूसरों को बताना भी नहीं है। अगर आपका रिश्ता हो भी जाता है विद इन 6 मंथ्स में, देख पा रहे हो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, तो तब भी आप लोगों को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताएंगे जब तक आपकी मैरिज नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं बाकी लोग। बट आपके घर के लोगों के डिसीजंस मुझे परफेक्ट दिख रहे हैं। अभी आपको चीज़ें उतना समझ में नहीं आ रही हैं जितनी चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, तो जस्ट होपफुल रहिए, क्योंकि होपफुल रहने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाने वाली हैं। ओके गाइस, और बंदा बहुत अच्छा होगा, थोड़ा वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेगा स्टार्टिंग में, एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, और जैसे जैसे आप लाइनअप होते जाएंगे लाइफ में, ट्यून अप करेंगे अपने आप को, तो आप देखेंगे कि हाँ ठीक। और एक और चीज़ है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी ज़रूर हेल्प किया कीजिए, आप उनको ज़रूर हेल्प कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा अपने जोन में रखना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप, जो मैंने बताया है मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं वैसा पार्टनर आपको मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। अगर आपकी अरेंज मैरिज हो तो आपको वही पार्टनर मिले जैसा पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा भगवान को भगवान से अपनी चीज़ें परफेक्टली शेयर करें, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, उनको बताएं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। भगवान हर बंदे की बात सुनते हैं, तो अगर आप बहुत प्यार से भगवान को बैठ के अपनी चीज़ें बताएंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपकी चीज़ें भगवान तक पहुँचेंगी, और अभी भी पहुँच रही हैं, और वो काम पूरा होगा। और गाइस, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि अगर आपका ये भी आया है तो भी अरेंज मैरिज में भी आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ पाएँ जो मैं बता रही हूँ, उस चीज़ को प्रॉपर अपनी लाइफ में उसका एग्जीक्यूशन लाएँ। राइट, अभी देख लेते हैं कि आपको एंजल्स का क्या मैसेज आया है, मैं सुनाती हूँ आपके पढ़कर। कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि एक जो बच्चा पैदा होता है वो वरीज के साथ अगर पैदा होता है तो धीरे धीरे करके वो वरीज डिसअपेयर हो जाती हैं। कुछ हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है अपनी वरीज को मिटाने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जिससे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, उतना हैप्पीनेस आती है जितना लोग सोच भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको अपना जो है जो बुरे लोगों के साथ अभी हैं उनको छोड़ के, जो आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं जैसा मैंने कहा, उनको पहचान के उनकी हेल्प लीजिए, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मेंटर पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जो मटेरियल लाइफ है आपकी उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, अपने अपने एल्डर से गाइडेंस लीजिए, और आप वेरी सून यू विल गेट अ चांस। वाओ, बहुत जल्दी आपको एक अच्छा चांस मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं किसी मंदिर में या किसी होली प्लेस में, जो भी आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, वो चाहे हिल स्टेशन हो या वैष्णो देवी हो, शिरडी हो, या कुछ भी हो, कहीं भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत पीसफुल, वहाँ बहुत पीसफुल आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा लोगों से उलझने से आपको बचना है, लोगों से फिजिकल फाइटिंग नहीं करना है किसी भी कीमत पे, लोगों से उलझने से बचना है, उनकी बातों का जवाब नहीं देना है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, तो जो आपको अभी ट्रैवल का चांस जहाँ भी मिलेगा जाने के लिए, मान लीजिए आप मान लीजिए कहीं भी जाते हैं जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अगर वहाँ पे कहीं जाते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और आई होप कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, भगवान कृष्णा आपको बहुत अच्छा पार्टनर दे। और इसी के साथ मैं ये सेकंड पायल की रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग भी अभी कंफ्यूज हैं अपनी मैरिज को लेकर के, उनको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आएगी, उनके काम भी आएगी आई होप। चलिए गाइस, चलते हैं थर्ड रीडिंग की साइड, जो थर्ड रीडिंग थर्ड पाइल है। ही गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल चूज किया था थर्ड पाइल, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं थर्ड पाइल के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ये हैं एंजल के कार्ड, हम लास्ट पे पढ़ेंगे। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ, और ये कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, ओ वाह, अमेजिंग कार्ड्स, देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके गाइस, इस रीडिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग में एक बहुत बड़ा जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो ये है, इस रीडिंग में चेंज का कार्ड मुझे दिख रहा है, कुछ चेंज दिख रहा है मुझे।
इस रीडिंग के यू नो लोगों के लिए, इसमें क्या है, चेंज क्या है? चेंज इस रिलेवेंट है कि आप जिस भी पार्टनर के बारे में अभी सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, करंट आपके रिलेशनशिप जिससे भी है, अगर उससे मैरिज करने वाले हैं, तो मैं आपको ये बात बोलने वाली हूँ कि वो आपका शायद उससे शादी ना हो, उससे मैरिज ना हो, आपके लाइफ में मैं चेंज देख रही हूँ, कुछ ना कुछ चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, पार्टनर नया आएगा आपकी लाइफ में, और या फिर यू नो आपकी लाइफ में पार्टनर नया आएगा, या फिर आप खुद से ही अरेंज मैरिज होती है तो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों चांसेस देख रही हूँ, लव मैरिज के भी चांस है, अरेंज मैरिज के भी चांस है, लेकिन दोनों ही मैरिजेस में आप लोग को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद का जो आउटपुट है, जो इनपुट जो आपका मेहनत कर रहेगा, उसके बाद का जो आउटकम मैं देख रही हूँ, दैट इज़ अमेजिंग। सो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो पार्टनर आप आपके लाइफ में आएगा, जो भी पार्टनर आएगा, उसको तो अभी आने वाला है, बिकॉज अभी आप जो सोच रहे हैं वैसा मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ पार्टनर में दिख रहा है कि कुछ चेंज होगा, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा, बट कैसा है कि वो बंदे के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि वो बंदा बहुत ही यू नो आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे भी अच्छा होगा, लाइक वो बहुत ही जोवियल नेचर का दिख रहा है मुझे, बहुत ही आउटस्पोकन, अपनी बात कहने वाला, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला, बहुत ही आर्टिस्ट काइंड ऑफ पर्सन होगा, जिसको हर चीज़ से प्यार होगा, उसकी बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, उसको आउटिंग करना, घूमना फिरना, म्यूज़िक, डांस, पार्टीज़, लेट यू नो नाइट लाइफ, ये सब बहुत पसंद होगा। तो आप लोगों की लाइफ में नो डाउट मैं थोड़ा यू नो एडवेंचर देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छी लाइफ बिताने वाले हैं। थोड़ा टाइम जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत एकदम से परफेक्ट नहीं है अभी चीज़ें, कहीं ना कहीं जिस रिलेशनशिप में आप हैं ऑलरेडी, वो रिलेशनशिप मटरलाइज नहीं हो रही हैं चीज़ें, उसमें कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई बंदा या बंदी आपके इसमें थर्ड पार्टी है, कुछ मुझे थर्ड पार्टी से रिलेवेंट भी दिख रहा है, जिस रिलेशनशिप में है करंट में, उसमें तो कुछ थर्ड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट पुट दैट पर्सन अप टू योर चैलेंज, अप टू योर चैलेंज फॉर 30 to 40 days, उस बंदे या बंदी को आप चैलेंज पर रखिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई हमको बुली नहीं कर सकता, कोई हमारी लैग पुलिंग नहीं कर सकता, हमारी लाइफ परफेक्ट होने वाली है ये हम जानते हैं, तो उस किसी से भी हमें यू नो अपना कुछ भी क्लैरिफिकेशन चीज़ों का नहीं देना, एक्सक्यूज़ नहीं देना है, जो अननेसेसरीली आप ये जो करंट रिलेशनशिप के अलावा जो लोगों को क्लैरिफिकेशन देने में, लोगों को बताने में जो टाइम वेस्ट, आपका टाइम किल हो रहा है चैट प्रोग्राम्स में या फिर चीज़ों में को समझाने, वो मत कीजिए आप, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, बी वेरी मच फिजिकली फिट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ एक लिथार्जी आपकी लाइफ में आ रही है, आप थोड़ा सा चीज़ों को ओवरलुक भी कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा देखेंगे, और थोड़ा सा परेशान है अपनी करंट रिलेशनशिप में। ओके, सो वॉट यू नीड टू नो इज कि एक्सपेक्ट मच ऑफ योर सेल्फ, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं करना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमें बंद कर देना है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि दूसरे हमारे काम नहीं आने वाले, राइट? एक चीज़ और है गाइस, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो सोचते रहते हैं ना पूरा दिन, सोच रहे हैं उस बंदे के लिए, वो मत सोचिए, अगर आप उस बंदे की हेल्प ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप हो सकता है वो फ्रूटफुल ना हो, अननेसेसरीली आप बर्डन मत लीजिए, किसी का एहसान मत लीजिए, उससे भी आप चीज़ें बोरो मत कीजिए, चीज़ें नहीं लीजिए उससे, कोई भी हेल्प कोशिश कीजिए कम से कम लें, क्योंकि आगे जाके अगर आपकी बॉन्डिंग इस बंदे से नहीं होती है तो आपको इस चीज़ का रेपेंटेंस नहीं हो कि मैंने उससे इतनी हेल्प ली या मैंने उसका एहसान मेरे ऊपर है इस काम को लेकर, उस काम को लेकर, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बट नो डाउट आपके लाइफ में पार्टनर बहुत अच्छा आने वाला है, और इसमें मुझे चांसेस दोनों ही मैरिजेस के दिख रहे हैं, मैं मीन्स 60-40 का रेशो देख रही हूँ, 60 लव मैरिज एंड 40 अरेंज मैरिज। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में जो पार्टनर ऐसा है जो नहीं मिला आपको तो आगे जाके आपको वैसा पार्टनर मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं, उससे अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। ओके गाइज, आपका बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और आपका बंदा बहुत रोमांटिक, बहुत यू नो हैंडसम, या अगर वो फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी और बहुत ही एनर्जेटिक होगा वो बंदा, तो ये चीज़ें मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए एंजल के क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ये एंजल आपको बोल रहे हैं
कि आई नो यू आर स्ट्रगलिंग, देखिए वाह यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यू आर स्ट्रगलिंग जो कि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। यू आर वेरी स्ट्रांग जैसा कि इस कार्ड में दिख रहा है कि देखिए कैसे कैसे आप अपने आप को बेड़ियों में बंधे हुए हैं, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस देखिए, कंधे पर सूरज है, हाथ में आपके टॉर्च है, अंदर से इतने ब्राइट हैं, लोग कुछ भी कहें आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेड़ियों में होने के बाद, बंधनों में होने के बाद भी आप बहुत अंदर से स्ट्रांग है क्योंकि आपका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है। तो यू गाइज आर अमेजिंग, राइट? भगवान भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि आई नो यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फीलिंग लाइक गिव अप। आपको लग रहा है कि गिव अप करने की फीलिंग आ रही है, या तो ये रिलेशनशिप छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, या यू नो मुझे बहुत अंदर से आपको टूटा हुआ फील कर रहे हैं आप अपने आप को। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, ओके? एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि लीव इट टू माई फीट, उन सारी चीज़ों को मेरे कदमों में छोड़ दो, मेरे पास आके छोड़ दो। शिवा भगवान, लॉर्ड शिव भगवान, शंकर भगवान आपको बोल रहे हैं, डोंट वरी, आई हैव अ ब्लेसिंग विद योर नेम ऑन इट। वाह, इट्स सच एन अमेजिंग कार्ड गाइज। भगवान बोल रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं, छोड़ दीजिए आप अपनी टेंशन उनके ऊपर, ऑस्पिशियस चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, ऑस्पिशियस फंक्शन विल टेक प्लेस। वाह, सॉरो सॉरो विल वेनिश, योर डिजायर्ड गोल विल बी कंप्लीटेड बाय लॉर्ड शिवा। ये देखिए लॉर्ड शिवा लिखा हुआ है। वाह, तो गाइज क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं चीज़ों को, भगवान क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए अभी जो आपका टाइम स्ट्रगल का चल रहा है, वो सब चीज़ें वैनिश होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। ऑस्पेशियस चीज़ें, ऑस्पेशियस यू नो सेरेमनीज आपके घर में होने वाली हैं, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सब कुछ यू नो सब सब आप अचीव कर पाएंगे वो ग्रेट थिंग्स लाइफ में जिनके बारे में अभी आप कंफ्यूज हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। पीपल यू नो आपकी लाइफ में लोग जो हैं, जो अभी है उनका, उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं, वो बहुत यूजफुल हैं आपके लिए। अपने जो डे टू डे की आप चीज़ें करते हैं, अफेयर जो भी आपके डे टू डे रूटीन में वर्क है, अफेयर्स है डे टू डे, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लोगों को अपने बारे में ज़्यादा मत बताइए। यू विल सी कि जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उसमें से कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, उनके एडवाइस लीजिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल एडवाइस वो आपको देंगे। और यू नो आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए दोस्तों का, वो आप रखिए अपने लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको दोस्तों के साथ, दोस्तों से मिलने वाली हैं, रिलेटिव्स का मैं यहाँ बिल्कुल नहीं देख रही, क्योंकि रिलेटिव्स का मुझे कोई रोल यहाँ नहीं दिखता है। एक दो लोग हैं जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको आप उनका आशीर्वाद लेते रहा कीजिए, डोनेशंस करते रहिए लाइफ में। पास्ट में जो भी कुछ हो गया उसके बारे में नहीं सोचना, डू नॉट रिपेंट ऑन पास्ट थिंग्स, पास्ट में जो भी कुछ हो गया, अपने गेन्स को, अपने चीज़ों के बारे में सोचिए। जो भी जॉब में आप, उसमें सैलरी इंक्रीज के बारे में सोचिए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस टाइम पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है अपने खुद के गोल्स पे, छोटे छोटे गोल्स आपके लाइफ में होने चाहिए, वो रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो पार्टनर आएगा वो आपकी सारी इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वजह से आपके साइड अट्रैक्ट होगा। आपकी जस्ट ऑपोजिट नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर आप बहुत शांत हैं तो बहुत जॉली नेचर का होगा, बहुत जॉवियल जॉवियल नेचर का होगा, बहुत खुश मिजाज होगा, बहुत यू नो मैं जैसा मैंने आपको बताया। तो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, नो वरीज, यू आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ अहेड, यू आर लीडिंग अ गुड लाइफ, यू आर लीडिंग अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ। और अगर आपको कुछ भी टेंशन होता है तो प्लीज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लाइफ में भी जो डायलेमा है इस चीज़ को लेकर के, कि क्या है उनकी लाइफ में, लव मैरिज अरेंज मैरिज में, करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या करें, तो हो सकता है उनको डिसीजन लेने में थोड़ा सहूलियत हो। तो ये चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों के प्यार को। और गाइज आई लव यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच रिस्पॉन्स, सो मच। सो गाइज अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप प्लीज़ मुझे अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने भावनाएं मुझसे मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। और जो भी आपको टॉपिक्स मुझसे चाहिए हैं वीडियो के लिए, मैं वो उन चीज़ों को भी बिल्कुल ध्यान में रख कर वो वीडियोज़ ज़रूर बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आई लव यू, जय माता दी, ओम साई राम, बाय बाय।